नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। बजरंग दल द्वारा कल 5 अगस्त राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में तैयारी करते कार्यकर्ता सवा कुंटल लड्डुओं का भोग प्रसाद राम नाम जाप के साथ पल्टन बाजार में वितरण किया जाएगा व रात्रि में भव्य आतिशबाजी लक्ष्मण चौक रहेगी। आप देख रहे हैं ये बजरंग दल की ओर से कल जो सवा कुंटल लड्डू का भोग लगना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे देहरादून के 35 हलवाई है जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है लड्डू बनाने के लिए। कृपया बताएंगे आप किस बूंदी का उपयोग कर रहे हैं हमारे लड्डू के लिए? हम राजधानी भोग बेसन है उसका 7 तरह उपयोग कर रहे हैं। हमारा जो सफोला डिपेंड महेश कुमार, आप महेश कुमार जी हैं और शुद्ध सफोला घी सबसे अच्छा वाला सफोला जो रिफाइंड है वो इसको यूज करते हुए और राजधानी के बेसन के द्वारा यह बूंदी के जो बारीक बूंदी के लड्डू कल श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण में और ये अपना एक छोटा सा प्रसाद स्वरूप रहेगा जिसमें सवा कुंटल लड्डू का भोग बजरंग दल के माध्यम से लगाया जाएगा और हम सब सहयोगी हैं। इसमें पूरा महानगर खुशियां मना रहा है। इसमें बहुत बड़े उत्सव के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नैनीताल व इसके आसपास गुलदार ने आतंक मचाया हुआ था जिससे लोग दहशत में जी रहे थे। सरोवर नगरी से दूर चार खेत में वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया है। युवा गुलदार को रेस्क्यू कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। नैनीताल से कालाढुंगी मार्ग में चार खेत गांव में पिछले काफी समय से गुलदारों की दहशत बनी हुई थी। गुलदार घरों की छतों और दरवाजों में आकर ग्रामीणों को भयभीत कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार ये गुलदार अन्य गुलदारों के साथ उनके मवेशियों को मारकर खा चुका है। उनका कहना है कि उन्होंने शिकायत पत्र देकर प्रशासन और वन विभाग को इसकी सूचना दी थी। लगभग एक वर्ष गुलदार धीरज कुमार के खेत में लगे पिंजरे में देर रात को फंस गया। सवेरे ग्रामीणों ने गुलदार की गुर्राहट सुनकर वन विभाग को सूचित किया। रेंज अधिकारी प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम गुलदार को खेत से लेकर सड़क तक लाई और वाहन में रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले गई। इस बीच गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिहायशी क्षेत्र में गुलदार के होने की सूचना के बाद पिंजरा लगाया गया था जिसमें आज गुलदार फंस गया है। अन्य गुलदारों को रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने के लिए गश्त की जाएगी। अभी भी कई जगह गुलदार दिखाई देता है। आज से एक महीना पहले तकरीबन एक महीना पहले हमें चार खेत के ग्रामवासियों की एक शिकायत मिली थी कि यहाँ गुलदार का आतंक हो रखा है। उसने कुछ बकरियाँ मार रखी है और एक आध कुत्ते भी मार रखे है। उसके बाद हमने यहाँ गश्त करवाई पहले, तदुपरांत हमने यहाँ पिंजरा लगाया। आज उस पिंजरे में बाघ लेपर्ड पकड़ा गया है। इसके बाद अभी फिर गश्त करवाई जाएगी कुछ दिन और ट्रैप कैमरा हमने यहाँ लगवाए हैं। कुछ दिनों बाद फिर देखते हैं क्या होता है। इस गुलदार को रेस्क्यू सेंटर रानीबाग ले जाया जाएगा। ये गुलदार पकड़ा गया है। हमने 25 दिनों से ये पिंजरा लगवाया था और हमने ज्ञापन आपका SDM DM और वन विभाग को दिया था जिसमें आरओ साहब ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करके तुरंत पिंजरा लगवाया। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी भी तीन गुलदार और हमने देखे हैं इस यहाँ पर अपने ग्राम सभा में, इनका भी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि दोबारा पुनः ये पिंजरा लगे। परेशानी ये कर रहा था कि यहाँ पर घरों के अंदर आ जा रहा था और दिन में दोपहर 2 बजे ये घरों में आके बकरियां मार जा रहा था हमारे ग्रामीण के घरों के अंदर आके। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि ये रात में यहाँ पर पिंजरे के अंदर ये हमारे घर के अंदर वहाँ पर नाखून मारे इसने दरवाजे में, इसलिए बहुत दहशत थी। लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।